क्वेश्चन है, एक रॉड है, ये देखो एक ग्लास की रॉड है और ये शेप इसकी ऐसी है। वो क्या कह रहा है, म्यू 1.5 है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन द प्लेट ए, लाइट यहां ए पे एंटर करती है परपेंडिकुलरली, सीधी जाती है, कायदे से उसको बाहर निकल जाना चाहिए रिफ्रैक्शन के, ग्लास की रॉड है, ग्लास की शेप है, लेकिन नहीं मुड़ी, क्या हो गया यहां पर, टी आई आर, फिर से क्या हो गया यहां पर, टी आई आर, और लाइट फाइनली कहां से आ गई, बी से, ए पे एंटर किया, बी से बाहर आ गई, क्वेश्चन में गिवन है आपको, इसका इनर रेडियस आर गिवन है और थिकनेस इसकी डी गिवन है, डी थिकनेस इसकी, ये देखो विड्थ डी गिवन है, राइट, और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल कहां से पास कर रहा है, सेंटर से, तो ये जो एंगल गिवन है वो थीटा, और ये क्या होगा, क्रिटिकल एंगल, यही एंगल जो होगा ग्रेटर देन क्रिटिकल होगा, तभी टी आई आर होगा, तो टी आई आर नहीं होगा, राइट, क्लियर है यहां तक, तो या ऐसा बोलें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो क्या कह रहा है, टी आई आर हो गया, टी आई आर हो गया, तो दिस थीटा शुड बी ग्रेटर देन वॉट, क्रिटिकल, थीटा शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल, आपको डी और आर की रेशियो निकालनी है, क्या होगी डी और आर की रेशियो क्या होगी, ताकि टी आई आर हो जाए, मेरे को तो एक ही चीज पता है इसमें, अगर आप चाहते हो कि इसमें टी आई आर हो जाए तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल, सही है, रूल क्लियर है यहां तक, थीटा भाई थीटा सी से बड़ा होगा तो टी आई आर हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ साइन लगा देते हैं, साइन ऑफ थीटा सी एक ही बात है, मैथ्स में अगर साइन लग जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं है, अगर थीटा थीटा सी से बड़ा है तो साइन ऑफ थीटा ग्रेटर देन साइन ऑफ थीटा सी है, ये भी क्लियर है, इसके अंदर साइन ऑफ थीटा सी क्या है, 1/μ, साइन सी क्या होता है, 1/μ, साइन ऑफ थीटा सी क्या है, 1/μ, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, और साइन थीटा इस ट्राइंगल में देखो साइन थीटा क्या होगा, ये देखो ये क्या है आर, और ये क्या है डी प्लस, ये देख रहे हो डी प्लस आर, क्योंकि थिकनेस क्या है डी और अंदर का रेडियस क्या है आर, तो साइन थीटा की वैल्यू इसमें क्या बनेगी, आर अपॉन डी प्लस आर, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, म्यू आपको 1.5 गिवन है, डी और आर की रेशियो आएगी, ये देखो ए, ये देखो आर अपॉन आर प्लस डी ग्रेटर देन म्यू, 1/μ में वैल्यू पुट की 3/2, तो 2/3 हो गया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई, यहां से सॉल्व करके डी बाई आर की रेशियो लेस देन 1 आ गई, उसने डी बाई आर की कौन सी रेशियो पूछी है इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम वैल्यू, तो डी बाई आर जो है वो लेस देन हाफ है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, हाफ आंसर, वैसे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, लिमिटिंग वैल्यू पे काम कर लेते हैं, तो आंसर क्या आएगा, हाफ, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कंडीशन एक ही लगनी है, साइन इज इक्वल टू 1/μ, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा था, उतना बड़ा नहीं है, छोटा है, ठीक है यहां तक, जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़े समझे, इस क्वेश्चन में क्या है, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ रेयरर मीडियम, जब उसने बोल दिया कि रे ऑफ लाइट रेयरर से चली डेंसर में आ रही है, तो गारंटी है टी आई आर नहीं हो सकता, क्योंकि टी आई आर के लिए रे ऑफ लाइट को कहां से कहां जाना है, डेंसर से रेयरर, ये कैसे जा रही है रेयरर से, तो रिफ्रैक्शन तो होगा, उसने कहा ठीक है स्ट्राइक्स बाउंड्री रेयरर एंड डेंसर स्ट्राइक करती है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, आई एंगल पर उसने टक्कर मारी नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई such that reflected and refracted ray are perpendicular to each other, तो इसमें से
कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ रिफ्रैक्ट हो गई, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90. 90 का मतलब है कि अगर ये आर है, ये आर डैश है, तो आर प्लस आर डैश का सम क्या है यहां पर 90. ऐसा क्वेश्चन अभी किया भी था हमने. क्लियर है यहां तक? आगे ये एक केस खत्म कर दिया उसने, तो यहां पर तो कम से कम टी आर नहीं लगने वाला. क्या लगेगा? स्नेल्स लॉ, दोनों में से एक तो लगेगा ही ना. और क्या है स्नेल्स लॉ? म्यू रेयरर इंटू साइन ऑफ आई इज म्यू डेंसर इंटू साइन ऑफ आर डैश. समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है यहां तक? ये एक ही क्वेश्चन तो लगनी है. अब वो कहता है केस नंबर टू, अनदर रे ऑफ लाइट, एक और लाइट लो, सेम फ्रीक्वेंसी सेम लाइट है, इज इंसिडेंट ऑन द सेम बाउंड्री फ्रॉम द साइड ऑफ डेंसर. तो डायग्राम नहीं बनाया वगैरह, डेंसर से हिट करवा दो. अब मुझे डाउट है कहीं टी आई आर ना हो जाए, रिफ्रैक्शन भी हो सकती है और टी आई आर भी हो सकता है. फाइंड मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट डेंसर रेयरर बाउंड्री. तो सेकेंड केस में कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलो कम से कम क्या होगा, ताकि सेकेंड केस में रे कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाए, टी आई आर हो जाए. इसका मतलब साइन सी इज इक्वल टू 1/μ का फॉर्मूला लगेगा. क्या ये बात समझ में आ रही है? तो पहले केस में रिफ्रैक्शन लगेगी स्नेल्स लॉ, और दूसरे केस में टी आई आर. सही है? तो करें स्टार्ट. तो आपको क्या निकालना है? मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस टी आई आर जब हुई तो क्या होगा. तो केस नंबर वन तो बिल्कुल क्लियर है. केस नंबर वन, आर प्लस 90 प्लस आर डैश क्या है 180. तो आर प्लस आर डैश का सम क्या है 90. तो आर डैश क्या है 90 माइनस आर. ये क्लियर है? आर और आर डैश का सम 90, तो आर डैश 90 माइनस आर. तो आर किसके इक्वल है? आई. तो संभाल के रखना, आर डैश इज 90 माइनस आई. ठीक हो गया यहां तक? और दूसरा स्नेल लॉ लगाओ, म्यू रेयरर इंटू साइन आई, म्यू डेंसर इंटू साइन आर डैश. म्यू रेयरर साइन आई, म्यू डेंसर साइन आर डैश. पर आर डैश हमने क्या संभाल के रखा? 90 माइनस आई. तो आर डैश की जगह 90 माइनस आई, जो कि सॉल्व करके क्या आएगा? कॉस आई. तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके म्यू डेंसर म्यू रेयरर की रेशियो आ गई. इसको ही क्वेश्चन नंबर वन का नाम दे दिया, खत्म. तो कुछ नहीं किया, स्नेल लॉ लगाया और हमेशा की तरह म्यू की रेशियो निकाल ली, खत्म. अब केस नंबर टू में आपको क्या करवाना है? आपको टी आई आर करवाना है. टी आई आर करवाना है तो क्रिटिकल ढूंढना पड़ेगा. तो आपका क्रिटिकल एंगल होगा क्या? आपका साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल 1/μ. म्यू में क्या होता है? ये डेंसर और ये रेयरर, ये सिखाया था. इसको ब्रेक कर लो, रेयरर ऊपर है तो रेयरर नीचे, डेंसर नीचे तो डेंसर ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्म आ गई. अब मुझे ये चीज पता है कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इसके इक्वल है, म्यू रेयरर और म्यू डेंसर की रेशियो. मैं निकाल चुका हूं म्यू डेंसर म्यू रेयरर की रेशियो. तो ये टेन ऑफ आई की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो क्या जाएगा? 1/10i. 1/10i क्या है? कॉट आई. तो यहां से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आएगी. ये ठीक वही क्वेश्चन है जो भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक किया था, बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड है. उसमें आंसर साइन इनवर्स टेन आई था, इसमें कॉट आई है. बट आपको रूल समझ में आ रहा है, चाहे कितने भी क्वेश्चन कर लो, इसमें एक में स्नेल्स लॉ, एक में टी आई आर साइन सी, और दोनों के म्यू को उसने इक्वेट करना है, अल्टीमेटली करना वही है. तो बात समझ में आ रही है? देखने में कैसे भी क्वेश्चन हो, अंदर उसके दो ही क्वेश्चन लगनी है. ये वो सीबीएसई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बार आता है. इसको प्लीज एक बार देख लो, ये कॉम्पिटिशन में भी आता है, नीट में भी और एनसीईआरटी में भी. प्रिज्म वाला क्वेश्चन आता है, प्रिज्म में टी आई आर पढ़ो क्वेश्चन.
इन अ गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, ध्यान आगे, इन अ गिवन फिगर रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ राइट एंगल ग्लास ऑफ म्यू 1.5 गिवन एट राइट एंगल टू फेस बीसी। सिर्फ यही फिगर गिवन होगी, ये नहीं गिवन होगी, ये खुद बनानी होती है इसमें। तो आपकी रे ऑफ लाइट बीसी को हिट करती है 90 डिग्री पे, तो इसकी रिफ्रैक्शन ही होगी, सीधी जाएगी। अब दो केस हैं, जब ये सीधी यहां हिट करेगी या तो ये बाहर निकलाएगी या फिर क्या हो जाएगा इसका, TIR होगा। देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, कह रहे प्रिज्म का एंगल थीटा निकालो क्या होगा, सो दैट रे अंडरगोस TIR। वो कह रहा है मैं चाहता हूं कि TIR हो, ताकि रे यहां पर क्या हो जाए, TIR हो इसमें, जब ये प्रिज्म किस में पड़ा हुआ है, एयर में, और केस नंबर टू जब ये प्रिज्म के बाहर क्या पड़ा होगा, वाटर। तो दो क्वेश्चंस हैं, पहले एयर के साथ करते हैं फिर वाटर के साथ करते हैं, क्लियर है यहां तक। तो रूल नंबर वन, जब ये इसे हिट करेगी सीधा, TIR तो होगा, ये रहा इसका नॉर्मल, नॉर्मल, और ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मुझे पता है ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये छोटे राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा, ये भी थीटा, क्लियर है। तो अगर ये थीटा तो ये दोनों भी 90, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, ज्योमेट्री क्लियर है, ये खुद बनानी होती है इसमें, ये बनी बनाई नहीं मिलती, बस यही इंपॉर्टेंट होता है इसमें, क्योंकि उसके बाद तो पता ही है कि ये टर्म क्या है, 90 माइनस थीटा, और यही क्या आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन लंबा है, एनसीईआरटी वाले छोटा क्वेश्चन डालते हैं, उसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डाला जाता है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, ज्योमेट्री उसकी ये बनती है। तो क्या ये बात क्लियर है यहां तक? तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। अब अगर आप TIR चाहते हो तो ये 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल, रूल नंबर वन क्लियर, 90 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा राइट ले जाओ, थीटा सी लेफ्ट आ जाओ, तो थीटा लेस देन 90 माइनस थीटा सी। तो अगर आप चाहते हो TIR हो, तो आपका प्रिज्म का एंगल जो होगा वो लेस देन क्या होगा, 90 माइनस थीटा सी। ये कंडीशन बन गई कि कितना एंगल होगा कि TIR हो, सही है यहां तक। केस नंबर वन, प्रिज्म को हमने किसमें डाला, एयर में, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होगा, 1/μ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्वेश्चन में 1.5 गिवन है, ऐसे एंगल नहीं आते, पर अगर हम सॉल्व करें कैलकुलेटर से तो क्रिटिकल एंगल आएगा 41.8, बढ़िया एंगल आते हैं, तो 41.8, तो आप इस थीटा सी को यहां पुट कर दें तो प्रिज्म का एंगल आएगा लेस देन 48.2, तो प्रिज्म का एंगल अगर लेस देन 48.2 है तो TIR होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या हो सकती है, 48.2 इज द आंसर। इसे कम होगा एंगल तो भी TIR होगा, पर लास्ट वैल्यू क्या लेंगे, 48.2 लेंगे। तो कंडीशन समझ में आ रही है कैसे बनाई। फिर वो कहते हैं कि प्रिज्म को किस में डाल दो, वाटर में डाल दो, कंडीशन तो सेम रहेगी, वाटर में डालते क्रिटिकल एंगल चेंज हो जाएगा, वो क्यों, क्योंकि अब जो क्रिटिकल एंगल होगा 1/ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर नहीं, विद रिस्पेक्ट टू बाहर मीडियम क्या है, वाटर। म्यू चेंज हो गया तो क्रिटिकल एंगल भी चेंज हो गया, इसको ब्रेक करके लिखो, जी नीचे है तो जी ऊपर, वाटर ऊपर है तो वाटर नीचे, रेसिप्रोकल ले लो, तो आपके पास साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल आ गया। आपको वाटर का और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो यहां से नया क्रिटिकल एंगल आएगा, कैलकुलेशंस के ऊपर ध्यान ना देना, तो नया क्रिटिकल एंगल 62.7 आएगा, और आप फिर से इसको यहां पुट करेंगे तो 90 माइनस 62.7 27.3, तो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म मैक्सिमम क्या होगा, 27.3, ताकि TIR हो। कैलकुलेशन में ध्यान ना दें, कैलकुलेशन ऐसे नहीं आएंगी, इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं आएगा, दो पार्ट्स भी नहीं आएंगे, पर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें कि TIR करवाने के लिए क्या कंडीशन लगेगी। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल अगर आ जाता है तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट थी कि कैसे वो थीटा और एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 माइनस थीटा लिया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है यहां तक कि ज्योमेट्री कैसे यूज की उसने, ठीक, ओके, ये नहीं करना बस। तो क्या ये पॉइंट यहां तक सबको क्लियर है?